किसान भाइयों, मैं हमेशा से आपको जो खेती में एक सही रणनीति के बारे में बताता हूं कि आप एक सही रणनीति से खेती करें, तभी आप आगे जाकर एक अच्छा खासा प्रोडक्शन और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएंगे। आज हम ग्राम पंडरिया पर आए हुए हैं और यहां पर एक किसान बहुत ही बेहतरीन ढंग से भिंडी की खेती कर रहे हैं। अभी आप जो भिंडी की फसल है उसको देख पा रहे हैं। इसका जो मेन रणनीति यही है कि जो प्लांटेशन है वह उसने गर्मी पर किया था, यानी कि जायद के सीजन पर, और जो इसका प्रोडक्शन निकल के आएगा वह बरसात के सीजन में, यानी कि खरीफ के सीजन पर आने वाला है। तो वैसे में हालांकि अभी जो भिंडी का रेट है वह काफ़ी डाउन चल रहा है, लेकिन आने वाला समय पर जो रेट है वह काफ़ी बेहतर इसको देखने को मिलने वाला है। तो आज की स्टूडियो में हम यही ए टू जेड जानकारी जानने वाले हैं कि क्या रणनीति रही है और किस तरीके से यह इस तरीके से भिंडी की खेती कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई, आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको। मेरा नाम अर्जुन जंघेल, ग्राम पंडरिया में रहता हूँ, पोस्ट बुंदेली, थाना चुखदान, जिला राजनांदगांव। कि अभी जो भिंडी का रेट है वह काफ़ी कम चल रहा है, तो आप क्या सोचे हैं और किस रणनीति के साथ आप भिंडी की खेती कर रहे हैं? बरसात में रेट आएगा इसलिए लगाया हूँ, अभी बरेल नहीं है। जी जी, आषाढ़ में आएगा जी, निश्चित है जी। तो आपका कुल मिलाकर रणनीति यही रहा है कि अभी हालांकि जो रेट है वह काफ़ी कम है, अभी के टाइम पर कितना रेट चल रहा है? अभी चल रहा है 8-9 रुपया चल रहा है मंडी में। जी, तो 8-9 रुपया चल रहा है, तो काफ़ी वह भी एक ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरा स्थिति नहीं कहा जा सकता। तो इसमें जब आप गर्मी के सीजन पर लगाए हैं और इसका जो मेन प्रोडक्शन है जब हाइएस्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जून के महीने से जो खरीफ का सीजन है वह स्टार्ट हो जाता है, हर सीजन का जो वैरायटी होता है, जो बीज होता है वह अलग अलग रहता है। तो आप यहाँ पर जो गर्मी पर लगाए हैं और जो प्रोडक्शन है वह बरसात पर आने वाला है, तो इसके लिए क्या वैरायटी कौन सी ली है? राधिका के भिंडी है। तो राधिका भिंडी हमने देखा है कि खासतौर पर गर्मी पर लगाया जाता है, तो इसको जो आपका फसल है वह बरसात तक चलने वाला है, तो भी ये प्रोडक्शन किस तरीके से देने वाला? अच्छा प्रोडक्शन देगा जी, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं आ रहा जी। तो अभी आप यह फसल को कितने दिन हो चुका है अभी लगाए हुए? 45 दिन हो चुका है। 45 दिन, और इसका तोड़ाई चालू हो चुका है? एक बार हुआ है अभी, एक बार तोड़ाई किए हैं। और एक बार में कितना निकाला है आपने? कितना? एक कट्टा निकाला हूँ अभी। एक कट्टा आप निकाले हैं, और टोटल अभी आप कितना क्षेत्र में कर रहे हैं भिंडी की खेती? अभी 1 एकड़ में कर रहा हूँ। 1 एकड़ में आप भिंडी की खेती कर रहे हैं, तो अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो क्या क्या जो दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली है भिंडी पर खास तौर पर? अभी चूसक ज़्यादा लगता है जी, उसमें चूसक की दवाई चलाना पड़ता है जी, एसिटा इमिडा ये चलता है, रोगड़ जी जी, और ज़्यादा हो गया तो पेगासस मार देता हूँ जी जी, 15 दिन में सीधा चलते ही किया जी जी। 15 दिन में आप एक बार मारते हैं? हाँ। इसमें खास तौर पर देखा गया है कि चूसक का ही ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है? हाँ, चूसक ज़्यादा लगता है जी। और कौन कौन सी जो कीट वगैरह है वह सब? और थोड़ा कीड़ा लगता है जी जी, तो लिए फेम तो को राजन चला देता हूँ। आप भिंडी की खेती कितने वर्षों से कर रहे हैं? 6-7 साल हो गए हैं करना। 6-7 साल आपको भिंडी की खेती करते हुए हो गया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वह हो गया भिंडी की खेती के बारे में। तो अगर हम एक सही रेट के बारे में बताएं, अगर बेहतर रेट के लिए जो सही समय है वह क्या होना चाहिए, जिस समय आप लगाते हैं तो एक अच्छा खासा रेट मिलने की संभावना हो, तो वह एक सही समय क्या होना चाहिए? हमें होना चाहिए बरसात में ज़्यादा ही रेट मिली, अभी सब पढ़ा लगाए बार सब खन दे बाद रेट मिली जी। तो जो पुराना भिंडी निकल रहा है वह खरीफ के सीजन में जब धान का समय आएगा तो वह सब फेंक देंगे, निकाल हाँ। करने के फसल समाप्त कर देंगे, तो उस समय पर जो आपका भिंडी है वह निकल रहा होगा हाँ। तो आप भी इस तरीके से रणनीति बना सकते हैं। यहाँ पर हम खास तौर पर रणनीति के बारे में ही ज़्यादा फोकस किए हैं, क्योंकि यह किसान का जो टोटल रणनीति अगर हम बात करें तो जो अभी के टाइम पर काफ़ी सारा भिंडी लगा हुआ था गर्मी के सीजन में, तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन है, जो माल है वह मंडी पर बहुत ही अधिक जा रहा था, उसके वजह से जो रेट है वह बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। तो आगे चलकर यह 100% सही बात है कि जब खरीफ का सीजन आएगा तो उस समय जितना भी पुराना भिंडी है वह समाप्त हो जाएगा, तो वहीं पर इसका जो भिंडी है वह निकल रहा होगा, तो 100% इसको एक बेहतर प्राइस, एक बेहतर रेट देखने को मिलने वाला है। और अभी हम जहाँ देख पा रहे हैं कि आपका फसल
पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हरा भरा है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फ्रेश है। तो उसके लिए आप जो है किस तरीके से कार्य करते हैं कि आपका फसल इतना हरा भरा है और स्वस्थ है? मैं 0.534 डाल देता हूँ हरा भरा के लिए, 19 से 28 वाला डालता हूँ हरा भरा इतना है जी। तो अभी भी जो गर्मी है वह काफी ज्यादा है, तो उसके लिए आप जो सिंचाई है उसको किस तरीके से देते हैं, कितने दिन में देते हैं? 2 दिन में डालता हूँ पानी। हर 2 दिन में आप सिंचाई डालते हैं? ये भाटा है इसलिए डालता हूँ जी जी। और खाद आप किस तरीके से देते हैं? डीएपी डालता हूँ बस, और कुछ नहीं डालता हूँ। सिर्फ आप डीएपी डालते हैं? डीएपी पोटास जी, बस ये दोनों ही डालता हूँ, कुछ नहीं डालता। तो अभी आपका फसल 45 दिन का हो चुका है, तो आप कितने बार खाद दे चुके हैं? मैं 2 बार डाले हैं। 2 बार डाले हैं, तो उसमें आपने मात्रा कितनी रखी है? मात्रा एकड़ में 1 बोरी लग जाता है डीपी। आधा बोरी करके 2 बार में 1 बोरी हुआ है जी। और आप पौधे को देख सकते हैं किसान भाई, काफी ज्यादा स्वस्थ है, और जो इसका हाइट है वह भी एक बेहतर देखने को मिला है। खासतौर पर गर्मियों पर देखा यह गया है कि जो हाइट है वह कम रह जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। और अगर हम एक हाईएस्ट जब आपका जो तोड़ाई है वह चलेगा तो उस समय कितना तक निकल जाएगा एक बार में? एक एकड़ में 3 क्विंटल से पार होगा। 3 क्विंटल से पार हो जाएगा एक बार में। तो आप एक दिन के आड़ में ही टूटेगा जी, एक दिन के आड़ में तोड़ना पड़ता है भिंडी को। तो अगर हम एक ओवरऑल लागत की बात करें तो कितना लागत आ जाएगा आपको एक एकड़ में? एक एकड़ में 20,000 आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 20 से ही पारा ही, 20 से कम हो जाएगा, लेकिन 20 से आगे नहीं जाने वाला। हाँ। तो अगर हम ऑल ओवर उत्पादन के साथ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा एक अनुमानित? रेट ऊपर ले है 1.5-2 लाख आ जाता है जी। मंडियों में जब लेके जाते हैं तो किस तरीके से लेके जाना चाहिए तो जो रेट है वह काफी बेहतर देखने को मिले? 12-13-15 किलो तक ले झिल्ली में सीधा पैक करके ले गए जी, इसलिए अच्छा रेट मिलता है। गाय वो सब किसान उठा लेता है, छोटे बड़े सब किसान उठाता है जी जी। तो आप पॉलीथीन में भर कर देख सकते हैं, तो उसमें हाँ। रेट अच्छा है देखने को मिलता है। हाँ, छोटे भी किसान लेता है जी जी, और बड़े भी ले जाता है जी। तो काफी बेहतरीन जानकारी दी है किसान भाई, उम्मीद है सभी किसान भाइयों को यह जानकारी पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे भी इस चैनल पर आपको इसी तरीके का बहुत ही यूजफुल जानकारी देखने को मिलने ही वाली है। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं इसी तरीके का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।